हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके बेटे को भी टीम अपने साथ ले गई है। ये मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुरेंद्र पवार का कनेक्शन यमुनानगर के पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह से जुड़ा हुआ था। सुरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम सबूत मिले थे। विधायक सुरेंद्र पवार का हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन कारोबार है। करीब 7 महीने पहले ईडी की टीम ने उनके सोनीपत में सेक्टर 15 स्थित आवास पर रेड की थी। खनन कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए टीम ने घर में रखे डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले थे। ईडी की टीम ने 4 जनवरी को माइनिंग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर रेड की थी। यमुनानगर में ईडी ने दिलबाग सिंह के महाराणा प्रताप चौक के पास ऑफिस, सेक्टर 18 में खनन एजेंसी के ऑफिस, क्लेसर में फार्म हाउस पर जांच की। उनके करीबियों संजीव गुप्ता, इंद्रपाल सिंह उर्फ बबल के घर, ट्रांसपोर्टर गुरबाज सिंह के ऑफिस पर भी टीमें पहुंची थी। घर पर 5 दिन रेड के बाद 8 जनवरी को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दावा किया था कि रेड के दौरान दिलबाग के घर से 5 करोड़ रुपए कैश, 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई गई कई संपत्तियों के कागजात, 5 विदेशी राइफलें और 300 कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई थी। जिसके बाद यमुनानगर में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट में 2 केस दर्ज किए गए थे। 1 महीने बाद दिलबाग सिंह को जमानत मिल गई थी। वहीं विधायक दिलबाग सिंह 2 बार इनेलो से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2009 और 2014 में यमुनानगर सीट से चुनाव जीता था और हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। वहीं अब बात करते हैं हरियाणा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह की। कुछ दिन पहले रावदान सिंह के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम ईडी की टीम ने ये रेड मैसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े केस में की गई और 5 शहरों में 15 ठिकानों पर टीम ने डॉक्यूमेंट्स खंगाले। हालांकि ईडी की रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन आज जानकारी मिल पा रही है कि ईडी फिर से रावदान सिंह के ठिकानों पर पहुंची है और वहां पर पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि मालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पर भी ईडी ने रेड की थी कई महीनों पहले। वहीं गुरुग्राम स्थित मायरा होम प्रोजेक्ट में भी धर्म सिंह छोकर का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, जबकि छोकर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वो फरार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक के बाद एक विधायकों पर, नेताओं पर कार्यवाही लगातार जारी है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस विधायकों पर लगातार कार्यवाही जारी है। तो देखना होगा कि अगली रेड कहां पर और किस नेता के घर पर होती है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके बेटे को भी टीम अपने साथ ले गई है। ये मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुरेंद्र पवार का कनेक्शन यमुनानगर के पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह से जुड़ा हुआ था। सुरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम सबूत मिले थे। विधायक सुरेंद्र पवार का हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन कारोबार है। करीब 7 महीने पहले ईडी की टीम ने उनके सोनीपत में सेक्टर 15 स्थित आवास पर रेड की थी। खनन कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए टीम ने घर में रखे डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले थे। ईडी की टीम ने 4 जनवरी को माइनिंग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर रेड की थी। यमुनानगर में ईडी ने दिलबाग सिंह के महाराणा प्रताप चौक के पास ऑफिस, सेक्टर 18 में खनन एजेंसी के ऑफिस, क्लेसर में फार्म हाउस पर जांच की। उनके करीबियों संजीव गुप्ता, इंद्रपाल सिंह उर्फ बबल के घर, ट्रांसपोर्टर गुरबाज सिंह के ऑफिस पर भी टीमें पहुंची थी। घर पर 5 दिन रेड के बाद 8 जनवरी को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दावा किया था कि रेड के दौरान दिलबाग के घर से 5 करोड़ रुपए कैश, 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई गई कई संपत्तियों के कागजात, 5 विदेशी राइफलें और 300 कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई थी। जिसके बाद यमुनानगर में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट में 2 केस दर्ज किए गए थे। 1 महीने बाद दिलबाग सिंह को जमानत मिल गई थी। वहीं विधायक दिलबाग सिंह 2 बार इनेलो से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2009 और 2014 में यमुनानगर सीट से चुनाव जीता था और हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। वहीं अब बात करते हैं
हरियाणा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह की। कुछ दिन पहले राव दान सिंह के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम ईडी की टीम ने ये रेड मैसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े केस में की गई और 5 शहरों में 15 ठिकानों पर टीम ने डॉक्यूमेंट्स खंगाले। हालांकि ईडी की रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन आज जानकारी मिल पा रही है कि ईडी फिर से रावदान सिंह के ठिकानों पर पहुंची है और वहां पर पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि मालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पर भी ईडी ने रेड की थी कई महीनों पहले। वहीं गुरुग्राम स्थित मायरा होम प्रोजेक्ट में भी धर्म सिंह छोकर का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, जबकि छोकर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और वो फरार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक के बाद एक विधायकों पर, नेताओं पर कार्यवाही लगातार जारी है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस विधायकों पर लगातार कार्यवाही जारी है। तो देखना होगा कि अगली रेड कहां पर और किस नेता के घर पर होती है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।